वो तो कैंपिंग कर रखी है किसी ने। हाँ भैया यही है बेताब वैली। आपकी वैली है ना कुछ आगे, तो कहेंगे साले बेकार आदमी है। सो गाइस हम रेडी हो गए हैं और चलने लगे हैं। फिलहाल यहाँ से रोशनी बहुत अच्छी आती है, फिलहाल करेंगे बंद क्योंकि हमारा सामान पड़ा है। बंदर बंदर ना आए बस, उम्मीद कर रहा हूँ सब दिख रहा हो। और लैपटॉप वगैरह बाहर है। कुंडी कैसे लगी? ताला है? चल ताला ले फटाफट आ जा। और हेलमेट ले आई आज से, आ जल्दी आ जाए। तो आपको यहाँ से दिखाता हूँ नज़ारे, एक नंबर है मज़ेदार। ये एक गैलरी हमारे यहाँ से, क्या मज़ेदार व्यू है देख सकते हो। इस साइड भी दरिया बह रहा है और इस साइड भी दरिया बह रहा है। शाम को यहाँ बैठ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, पूरा गार्डन, पीछे की तरफ भी पूरा गार्डन एरिया है, मज़ेदार। वो तो कैंपिंग कर रखी है किसी ने, कैंप लगा रखा है। हाँ। वो देख इसका जो कैंप है अधूरा कैंप है, दो लोगों के हिसाब से है ही नहीं। वो जो होता है ना हाँ? स्लीपिंग बैग। हाँ। वो एक ही आदमी में होता है। अच्छा तो फिर वही ना, दो बंदे कैसे सोएंगे। तो फिलहाल अभी बाइक ये चलाएगा लोकल में और मास्क लगाना ज़रूरी है। और अभी चल रहे हैं, कुछ खाएंगे, अभी तक खाया भी नहीं है, वही केक वेक खा रहे हैं हम दोनों। एनी वेयर एनी वेयर एनी वेयर अंडर वेयर। रोशनी आ रही है, दिख रहे होंगे हम। अच्छा हेलमेट भी लगाने हैं देख ले। और ये हमारी बाइक है, बाइक ही बोलेंगे, स्कूटी बाइक जो कश्मीर से ली है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा। और ये हमारा होटल है, किंग पैलेस होटल। ये जस्ट ये पुल के पास पड़ेगा, यहीं पास में है। ये है नोमैडिक चंदन और ये है ट्रैवलर जतिन। तो भैया फॉलो नहीं करा, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे खासकर। तो इंस्टाग्राम पे आपको हमारी स्टोरीज फोटोज पहले मिल जाएंगी। चलो चलते हैं, निकलते हैं। ये देख कहाँ निकाला मैंने, तो देख ऊपर सीधा ऊपर, चल सीधा ले आगे खाएंगे। सफर जारी है। यस हम हैं पहलगांव में, स्कूटी ले ली थी हमने रेंट पे। अगर आपने हमारा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर चेक करिए, आप कश्मीर में बाइक स्कूटी कैसे रेंट पे ले सकते हैं वो ब्लॉग चेक करिए, शायद आपकी हेल्प हो सके। नुकसान हुआ पहला, इतना झटका स्पीड ब्रेकर का लगा भैया, बोतल गिर के बाहर हो गई। कुछ नहीं, साइड का वो लगाया। चल सो पहुंच गए हैं बेताब वैली पर। यहाँ उम्मीद नहीं थी, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ, काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और नीचे भी पूरी पार्किंग फुल हो रखी है। पहुँचे अंदर, देखते हैं दिखाते हैं आपको क्या हिसाब तब है। ये देखिए पूरा जाम इधर भी और नीचे इधर, सारा पूरा जाम लग रहा है। वैसे आप जब बेताब वैली आएंगे तो बाहर आपको टिकट लेनी पड़ती है, हाल फिलहाल 100 रुपीज़ का प्राइस है। यही है बेताब वैली। हाँ भैया यही है बेताब वैली, यही है बेताब वैली, यही है बेताब वैली। चल आ जा। हम आ चुके हैं बेताब वैली के अंदर। एक चीज़ की प्रॉब्लम है, बस धूप निकली हुई है, धूप से थोड़ी एलर्जी हो रही है, अदरवाइज वैली बहुत खूबसूरत है। और अभी कुछ खाने की जगहें भी हैं, कुछ खाते हैं। सर यहाँ पे वो फिल्म वाला घर था, वो कौन सा वाला है? ये वाला है, यही है ना? हाँ गेस्ट हाउस बन गया, गेस्ट हाउस बना दिया है। तो ये वो घर है, अगर आप बेताब वैली मूवी की बात कर रहे थे जिसकी, सनी देओल की, तो उस टाइम पे जो शूटिंग हुई थी उस टाइम पे सब मैदान था। तो फिलहाल ये गेस्ट हाउस बन गया, कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा है इनका यहाँ पे। और ये वो हाउस है, इन्होंने रेनोवेट कर दिया पहले। और ये रेस्टोरेंट है, इन्होंने रेनोवेट कर दिया। लास्ट टाइम मैं जब आया था ये काफ़ी तक टूटा हुआ था, अब तो लोहे वगैरह का बना दिया इन्होंने। और ये जो नज़ारा है यहाँ से बहुत खूबसूरत, बहुत सारे लोग यहाँ नहा रहे हैं। बहुत बड़ी वैली है, काफ़ी खूबसूरत है, ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जाने के ऊपर, पर देखते हैं ट्रैक करना पड़ेगा थोड़ा। बस ये धूप थोड़ी सी कम हो ना तो मज़ा आ जाए। अभी शाम तक तो बहुत प्यारा हो जाएगा, ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा मौसम हो जाएगा। चंदन भैया कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। पहले भी आ चुका हूँ, बहुत खूबसूरत है। उस टाइम पे पानी का बहाव बहुत कम होता था, पर अभी हाल फिलहाल
पानी का भाव बहुत ज़्यादा है और लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, और मुझे एक ही अफसोस लग रहा है इस वक्त धूप ज़्यादा हो रही है, अदरवाइज़ बेहतरीन जगह है, बहुत खूबसूरत और ये वैली बहुत बड़ी है। यहाँ बैठ के रिलैक्स करने के लिए यार एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही रिलैक्सेशन है यार। वाकई में एक तरफ पानी बह रहा है, पीछे हरियाली है और खूबसूरत नज़ारे हैं, सामने बर्फ़ वाले पहाड़, सॉरी बर्फ नहीं है पर पहाड़ बहुत खूबसूरत है, नज़ारा एक नंबर है। हाँ भाई चंदन भैया, नाइस व्यू, बस नाइस व्यू। इतना सिंपल व्लॉगिंग करेंगे तो बात नहीं बनेगी, लोग कहेंगे साले बेकार आदमी हैं, पकाते बहुत हैं, बात कोई काम की करते नहीं है, हंसी मजाक कोई करते नहीं है। नाइस व्यू, ओके, बढ़िया, टंट लटर, कुछ ऐसी बात तो को कि जनता को अच्छी लगे, क्या कहते हो भैया, कोई ऐसी बात होनी चाहिए ना। ऐसी बात है ना, अबे नीचे आ मंडी कट की तेरी। हाँ सो एक बात बताता हूँ, इस वैली के अंदर आने का 100 रुपीज़ चार्ज है। हाँ मेरे हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए, वैली के अंदर जा रहे ठीक है, फिर भी 100 रुपीज़ कुछ ज्यादा नहीं हो गए है, ज्यादा वैसे देखा जाए हिसाब से 50। और ऐसा कुछ अंदर है नहीं एक्टिविटीज की जो इनको मेंटेन कर रखा हो इन्होंने, पानी आ रहा है जा रहा है बस, मतलब और उल्टा मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट के अंडर होगा और पता नहीं, अब चलो जो कहें क्या कहें, ठीक है। अब बंदा इतनी दूर आता है ना तो वो 100-200 नहीं देखता ना, प्रॉब्लम ये है। सर ये मेरे हिसाब से जो बच्चे घूम रहे हैं ये क्या पैसे दे के आए हैं या आ गए? बच्चे फ्री होंगे शायद, बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री है, बड़ों की टिकट है। खाने के लिए यार कुछ है नहीं, ये शॉप है जहाँ पे आपको मैगी या सॉफ्टी कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी, तो फिलहाल हमने मैगी ऑर्डर कर दी है, कुछ खाना था रास्ते में रुके ही नहीं हम खाने के लिए। हाँ भाई भूख लगी तो रात को खाएंगे वैसे अच्छा वाला खाना, फिलहाल हमने वो केक वेक भी खा लिया ना, उससे थोड़ा पेट थोड़ा सा वो हो गया था। आपकी वैली है ना कोई आगे, इनकी इनके नाम से एक वैली आगे चंदनवाड़ी, तो चंदनवाड़ी चंदन ने क्या करा चंदन भैया, ये क्या हुआ था वहाँ पे आपका साथ, क्या हादसा हुआ था बताइए, हैं क्या कहानी थी वहाँ की, स्टोरी क्या है? बाद में बताएंगे, चलो बाद में बताएंगे, किसी और से पूछते हैं। भैया आगे चंदनवाड़ी है ना, है भैया तो वहाँ पे क्या है? पानी पानी ऊपर चंदनवाड़ी है क्या, मतलब वहाँ पे बर्फ बर्फ है अभी, बर्फ है? हाँ वो तो है भैया, चंदनवाड़ी में बर्फ कह रहे हैं, अभी मिल जाएगी बर्फ? कितना किलोमीटर है यहाँ से? 8 किलोमीटर बर्फ मिल जाएगी वहाँ पर बर्फ, और उसके अलावा और क्या है? शीशनाग ऊपर है 12 किलोमीटर, वहाँ से 12 किलोमीटर वहाँ से 12 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है, शीशनाग भी है भैया, आधा घंटा लगेगा है ना। चलो यहाँ से फ्री होकर चलते हैं, फिर चंदनवाड़ी करें, स्नो है तो देखते हैं स्नो है या नहीं है, बाकी तो अभी मैगी खाते हैं बैठते, थोड़ा सा मस्त माहौल है यार, आप यहाँ पे 2-3 घंटे आराम से बिता सकते हो, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत बढ़िया जगह है यार। मैगी आ भी गई, क्विक सर्विस या बना के रखी होंगी शायद, है गर्म है भाई गर्म है, कोल्ड ड्रिंक तो पकड़, बिना पीने मतलब साथ में कुछ होना चाहिए ना पीने के लिए, सर पीने के लिए पानी वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पकड़ लेना, और कुछ नहीं है, ज़्यादातर आपको पता पहाड़ों मैगी मिलती है, मैं वैसे मैं अवॉइड ही करता हूँ, मैदा होता है नुकसान ही करता है, बाकी अब शाम को अपना वहाँ पे है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ कुछ खाएंगे, आज सैटरडे ना होता तो शायद हम एक रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ नॉन वेज था, तो गलती से वैसे मेरे से सुबह मैंने आमलेट खा लिया है, कुछ नहीं पीने के लिए कॉफ़ी है, तो वैसे कुछ नहीं ठंडे में नहीं है। चंदन भैया प्लीज़ पानी चंदन भैया प्लीज़ चंदन भैया मुंह में डालते हुए मैगी और मैं निकालते हुए, हैं कौन सी क्लास में पढ़ता है? इधर आ बेटा, इधर आ ना, कैमरे में आएगा फिर, कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं कह रहा हूँ 3rd क्लास में। अच्छा स्कूल जा रहा है, अरे छुप क्यों गया, इधर तो है मेरे को दिख नहीं रहा तू कहीं। सो भैया हम बैठे थे पहलगाँव में तो काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं, और अभी मैं बात कर रहा था घर पर तो इन लोगों ने घेर लिया है, तो ये सारे पास में विलेज है वहीं रहते हैं ना, विलेज गाँव कौन सा गाँव है आपका? चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी तो 8 किलोमीटर है यहाँ से, फिर से और सारे पढ़ते हो इस जगह, इसके तो दांत भी ले गया वो रात को, कौन ले गया जो ये जगह है, इसके जगह का नाम है बेटावाड़ी, इसके तो चूहा ले गया दांत, वो भैया ऊपर बैठते हैं पहाड़ में, 2 किलोमीटर है। सभी पढ़ते हो ना तुम लोग? आइसक्रीम अभी तुम लोगों ने खाई है, कितनी खाती हो रोज की आइसक्रीम ये बताओ पहले, हैं तुम लोगों के गले बंद हो जाएंगे इतने आइसक्रीम खाओगे तो। अभी मेरे ख्याल से लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और टाइम पास भी कर रहे हैं। चलो बाय 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 बाय। बेताब वैली के मज़े लेते हुए बच्चों के साथ काफ़ी हमने फोटोग्राफ्स खिंचवाई, घर वालों से भी बात कराई, और चल रहे हैं बेताब वैली के अंदर और घूमते थोड़ा नज़ारे लेते हैं, उसका चलेंगे चंदनवाड़ी, चंदन भैया की एक अपनी बाड़ी है वहाँ जाएंगे, और वहाँ चंदन भैया आपने बताया नहीं, वहाँ राज करा क्या आपने उस चंदनवाड़ी में, क्या कहानी बताएंगे, ऐसा क्या है वहाँ पे?
जैसे यहाँ पर शूटिंग हुई थी ना बेताब की, हाँ। और फेमस हो गया। अच्छा, वहाँ एक बार मैं आया था पहले। ओह, ये तो बहुत गलत काम हुआ था फिर। एंजल्स, एंजल्स से मुलाकात हुई थी, यहाँ परियों से मुलाकात करी थी इन्होंने फिर। सो उनकी उसके बाद गांव में कुछ दिन ठहरा, उसके बाद चला गया। तो मेरे याद में ना उस वैली का नाम ही चंदनवाड़ी रख दिया गया। अरे वाह, नहीं बच्चे नहीं करना है, नहीं करना। वाटरफॉल तक लेके जाए बजट के बजाय। कितनी फीस लेते हो वैसे घुड़सवारी की? 400 रुपए एक घोड़े। कहाँ तक लेके जाते हो? वाटरफॉल तक। वाटरफॉल कहाँ पे? तो यहाँ लोग काफी फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवा सकते हैं, यानी खिंचवाते हैं, खिंचवा कर सकते हैं। यहाँ का लोकल ड्रेस कोड के साथ आप अपना फोटो खिंचवाइए, इंजॉय करिए, फैमिली के साथ मजा करिए, है ना भैया? अभी पढ़ते नहीं हो तुम? क्यों? पढ़ता हूँ मैं, अभी स्कूल बंद। स्कूल बंद है तो घर वालों का जाके काम करो या खुद से काम कर रहे हो? खुद से कर रहे हो। बाकी अभी मुझे नहीं जाना बेटा, ठीक है भैया? कैंप लगे हुए हैं अभी, कैंप लगा के बैठे हुए। कैंप कहाँ पे? वो तो कैंप लगा। हाँ, मैं बोला ना कि अपना कैंपिंग चलते हैं। तो भैया इनके पास कैंप भी है जो इन्होंने धर्मशाला में लगाया था, और वो कैंप उड़ गया था। मतलब नहीं उड़ा था, नहीं उड़ा था, सबके कैंप के अंदर पानी चला गया था। मेरा कैंप के अंदर थोड़ा सा पानी गया था, पानी नहीं गया था। चला इन कैंप वाले भैया से बात करते हैं। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम काफी मूवीज की यहाँ शूटिंग होती रहती है, और अभी भी एक कोई थोड़ी देर पहले एक कैमरामैन कैमरा लेके जा रहे थे, मूवीज की शूटिंग चल रही थी, और यहाँ पे काफी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। बेसिकली ये जो जगह है बेताब वैली, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत वैली है। ये बेताब मूवी के साथ उससे पॉपुलर हुई है, और हाल फिलहाल जो लेटेस्ट पिक्चर जो काफी पॉपुलर हुई थी बजरंगी भाईजान, उसकी शूटिंग भी वहाँ हुई थी ऊपर। तो अलग ही फील है यहाँ पे, अलग ही मजा है। डेफिनेटली आओ, फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाओ, इंजॉय करो। हॉर्स राइडिंग करनी हो, कैंपिंग करनी हो, कई सारे लोग यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, कैंप वगैरह लगा के बैठे हुए हैं, और लोग नहा भी रहे हैं उधर रिवर से, इंजॉय भी कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं। तो एक अलग ही फील है, अलग ही मजा है बेटा। अभी तो आपको मैंने 10-10 रुपए बांटे हैं, भूल गए हो? लाओ इधर एक फोटो खींचने वाला से। तो बहुत ही मजेदार जगह है, फीलिंग अच्छी है, और मौसम थोड़ा सा धूप कम होना तो अलग इंजॉय है। आना है कम से कम 2 दिन के लिए आइएगा, 1 दिन के लिए मत आएगा इंजॉय करना है तो, क्योंकि 1 दिन में मजा नहीं आएगा आपको। और यहाँ काफी सारे पॉइंट्स हैं घूमने के। अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक करके जरूर जाना भैया, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो और भी लेके आने वाले हैं। क्योंकि अभी ट्रैवल स्टार्ट हो गया है तो हम ट्रैवल करने वाले हैं खूब सारा। अभी मेरी लद्दाख सीरीज़ ख़त्म हुई है, अगर आपने लद्दाख सीरीज़ नहीं देखी जाकर चेक करिए, और मैंने उस पर अभी ना टोटल कितना मेरा खर्चा हुआ है, मेरा 6 नाइट का आना जाना जो भी खर्चा हुआ है इंक्लूडेड फेयर, वो सब कुछ मैंने वहाँ डिटेल में शेयर करा है। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भैया फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनने और एडिटिंग होने में टाइम लगता है। अगर इंस्टेंट देखना चाहते हैं कि फोटोग्राफ्स कहाँ खिंचवा रहे हैं, क्या मज़े ले रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय।